यदि आप ये कर ले प्रो हो जाओगे। तो यहाँ पे आप जैसे डेट ऑब्स्टेकल लाइट मीडियम हार्ड डेवल जैसे एमबी वाले बुकबर्ड्स के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ टू मास्टर वोकैबुलरी फॉर एसएससी एग्जाम। बिफोर स्टार्टिंग थ्री थिंग्स यू शुड कंसिडर। सबसे पहले सोर्स को फिक्स करना, कौन सा सोर्स से करना है, उसके बाद कैसे सोर्स को यूटिलाइज करना है सो दैट कि इफिशियंटली आप उसको यूज कर सको, एंड थर्ड चीज कैसे आप प्रैक्टिस करोगे आफ्टर ग्रास्पिंग ऑल दिस वोकैबुलरी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सोर्स के बारे में बात करेंगे। जो सोर्स मैंने यूज किया था वो था ऑनलाइन मेंटर्स की पीडीएफ, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी गूगल पे सर्च करोगे तो, या टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे तो। तो ये सिनोनिम की पीडीएफ है, इसी तरह से इसकी इडियम एंड फ्रेज के बाद फिर एंटोनिम्स की बुक अलोंग विद दिस पीडीएफ्स यू शुड कंसिडर। एमबी का ये छोटा वाला जो बुक आता है वन वर्ड्स का, और idiom and phrase का जो मैंने काफ़ी पहले लिया था जिसको कर लिया है। ऑनलाइन मेंटर्स वाले में आपको 2017 मेंस तक का वोकेबलरी मिलेगा। सो पहले इतना कर लो, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि एसएससी वोकेबलरी स्पेशली वोकैब सेक्शन इवन इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट रिपीट करती है, तो वोकेबलरी तो पूरा रिपीटेड होता है। इतना आप ग्रैप्स कर लोगे तो भी इलिमिनेटिंग फ्रॉम ऑप्शंस। तो बात करते हैं करनी कैसे है, हाउ टू यूज दिस रिसोर्सेज इफिशियंटली। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेली आपको 50 idiom, 51 वर्ड, 25 आप वोकैब कर लो। करने कैसे है, कुछ तो आपको निमोनिक बना के, जैसे हम ट्रिक में बताए थे असंडर, तो असंडर को रिलेट किए थे सुंदर से। सुंदर लड़कियां क्या करती है, दोस्त के बीच लड़ाई लगवा देती है, तो स्प्लिट। इस तरह से और भी कुछ निमोनिक लाइक प्रोडिगल, जो प्रोडिगल चीला होता है जो काफ़ी खर्च करता है, तो प्रो डी गर्ल, मतलब गर्ल मीन्स लड़की, अ प्रो मीन्स समझ जाओ प्रो ज़्यादा खर्च करने वाला, तो प्रोडिगल। तो इस तरह से कुछ निमोनिक का यूज़ करके, और 6:1 का रूल आपको अप्लाई करना है वाइल प्रिपेयरिंग वोकेबलरी। 6 days पढ़ना है और संडे को रिवाइज करना है सारे को, संडे को नया नहीं लर्न करना है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे हम किए थे। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स एक बार में आपको याद हो जाएंगे, और नहीं हो रहे हैं तो फिर उसका सेंटेंस में यूसेज को देखेंगे। इसके लिए आप कंसिडर कर सकते हो कोई भी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड का हो, कैम्ब्रिज का हो, तो मोबाइल में होना चाहिए, या गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको सेंटेंस में यूज़ मिलेगा उस सर्टेन पर्टिकुलर वर्ड्स का, तो उससे आप कर सकते हो। जैसे वो दिखा रहे अपने बुक में, ये देखो मैंने जैसे कि पैराडॉक्स तो लिखा है ना कि इट्स अ वर्क फुल ऑफ पैराडॉक्स एंड एम्बिग्यूटी। उसके बाद फिर ग्रैंडियर, यू आर सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, मोनिक का यूज किया है मैंने। जैसे गार्निश के लिए किया साउंड लाइक फर्निश, मींस डेकोरेटिंग योर हाउस। तो इसी तरह से ग्रेजुअली करते जाओगे तो आपका वोकैबुलरी टिप पे हो जाएगा एक बार कर लोगे तो। तरह से सिनोनिम एंटोनिम करना है, वन वर्ड्स में क्या करना है, वन वर्ड के लिए ये एमबी का छोटा वाला जो बुक आता है उससे प्रिपेयर करना है। तो कैसे करना है, डेली जैसे एमबी वाले बुक में टोटल 80 पेज, 2.5 पेज करते हो तो आसानी से आपका 1.5 महीने में हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बात रहा idiom की बात, तो idiom को भाई करना है एमबी वाले बुक से। तो कैसे करना है, एमबी का जो छोटा वाला बुक बताएं उससे, इसमें इसलिए इससे करना है क्योंकि इसमें सेंटेंस का हर एक idiom का यूज़ दिया है। जैसे ए डक इन थंडरस्टॉर्म, तो यहाँ पे दिया है ना सेंटेंस, अनिल वॉज अ डक इन थंडरस्टॉर्म व्हेन ही वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज होम टाउन टू अ रिमोट प्लेस। तो इसको भी वन वर्ड्स के तरह ही करना है कि इसमें कितना पेज है, इसमें 70 पेज है, तो डेली अपना 2 पेज करेंगे तो 35 days, मतलब 1.5 महीने में आराम से हो जाएगा, फिर रिविजन भी हो जाएगा। ये तो बात हो गया कि अब कैसे करना था, और idiom इस बुक से इसलिए करना है क्योंकि सेंटेंस में यूज है तो आपको फिल इन द ब्लैंक में भी यूज होगा, या idiom का यदि सेंटेंस में आप मीनिंग समझ पा रहे हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी कहीं ना कहीं डेवलप होगा। तो ये तो बात हो गया अब दो चीज़ की, सोर्स और यूज़ कैसे करने हैं। अब बात रहा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक पे बहुत सारा छोटा छोटा क्विज आता है, आप वोकैबुलरी सर्च करोगे जाके सर्च ऑप्शन में तो वहाँ से मिल जाएगा पहला ऐप। सेकेंड ऐप है मरियम वेबस्टर, मरियम वेबस्टर पे आपको अभी दिखाते हैं करते हो। तो यहाँ पे आपको ये हाउ स्ट्रॉन्ग इज वोकैबुलरी सेक्शन, ये क्विज है, इसको आप डेली करो। जैसे डिटरेंट, ऑब्स्टेकल, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मींस कंक्लूजन,
इस तरह से आप करोगे तो आपका उसमें चारों लेवल जो दिया गया है, लाइट, मीडियम, हार्ड, डेवलिस, यदि आप ये कर लेते हो तो वोकैबुलरी आप प्रो हो जाओगे इसमें। फिर तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए एक बार सम अप कर देते हैं। पहले सिनोनिम एंटोनिम के लिए फिक्स हो गया ऑनलाइन मेंटर का, 17 मेंस तक का हो गया वहाँ पे वोकैबुलरी। उसके बाद फिर ब्लैक बुक का इंडिविजुअल पीडीएफ आता है, वो आप कर सकते हो एग्ज़ाम वाइज लेटेस्ट वोकैबुलरी के लिए। और नहीं भी करोगे तो हो जाएगा, कुछ ही नहीं आता है, वो मॉक के थ्रू कवर हो जाते हैं। उसके बाद फिर ईडीएम के लिए बता दिया और वन वर्ड्स के लिए कि एमबी का छोटा वाला। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। होप कि हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए होंगे, बस इतना ही उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए होंगे सारे चीज़ को, कि कैसे वोकैबुलरी मास्टर करना है एसएससी के लिए। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड एसएससी पेरेंट्स। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। टिल देन बाय, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट।